हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है लास्ट 1 मंथ के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट है जो लगभग अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है, क्योंकि इस समय जो सितंबर के पहले वीक में और अगस्त के पहले लास्ट सप्ताह में जो एग्ज़ाम होने का था वो तो नहीं लग रहा, क्योंकि बीपीएससी ने इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो इस एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही कम है। और अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, ज़्यादातर चांस है कि नवंबर में ही होगा, मिड नवंबर में, क्योंकि अक्टूबर का जो डेट आ रहा है 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम डेट, वो होने का संभावना कम है, क्योंकि इस दिन यूपी का जो पीईटी होता है, यूपी का जो पीईटी उसका एग्ज़ाम है, और उत्तराखंड का भी मेंस है, इस दिन से शुरू हो रहा है, तो संभावना कम ही है कि इस दिन हो। और जो जो लोग सितंबर में बोल रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप ये देख ले सितंबर के पहले वीक में जो जो शायद 4 सितंबर है, 4 सितंबर के दिन तो एनडीए का पेपर है, तो संभावना कम है कि उस दिन पेपर हो, तो ये भी है। और शायद इस दिन सीडीएस का भी पेपर है, एनडीए के साथ सीडीएस का भी पेपर है, तो बहुत ही कम संभावना है कि इस दिन पहले वीक में सितंबर में एग्ज़ाम हो। और यदि अगस्त में होना होता पेपर तो अभी तक आ गया होता। तो इसमें हम लोग तो अभी इसके अनुसार से लास्ट 1 मंथ के लिए देखेंगे कि लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी हम लोग करें कि हमारा लगभग 115 से 20 नंबर तक फिक्स हो जाए, कि जिससे कि हम अच्छी तरीके से मेंस की तैयारी कर सकें। तो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा जो स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद 63वीं 64वीं 65वीं और 66वीं का मेंस दिया है, तो पता है मेरा 109 110 बन रहा था, लेकिन जो इस बार था जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसमें भी मेरा नंबर 117 बन रहा था, जो कि जिसके अनुसार से जो मिलाया गया था जो सीएमई था और दृष्टि के अनुसार मेरे 116-17 नंबर बन रहे थे, तो ज़्यादातर चांस था कि मेरा कंफर्म था कि पीटी हो जाएगा। तो उसके अनुसार से मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको लास्ट के 1 मंथ के उसके अनुसार से मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का बताता हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्री का है इसका पोर्शन लगभग 35 से 40 नंबर का है, और उसमें भी ज़्यादातर मॉडर्न हिस्ट्री का है, लगभग ये 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस इस पे ज़रूर करें। तो इसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ ये जो आप देख रहे हैं जो घटना चक्र का पूर्वालोकन है, तो क्योंकि इसमें आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी और जो UP SSSC है, UP PCS है, MP PCS है, UPSC के भी कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का इसमें समावेश है, तो आपको पूरा का चारों तरफ का व्यू मिलेगा, और इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पूछ रहा है, आप थोड़ा जो 2016 में कैसा पूछा गया था, 17 में, इसकी सारी जानकारी आपकी मिल जाएगी, क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा लगभग ये 500 से 600 पेज का है, लेकिन आप सिर्फ MCQ वाइज ही पढ़िएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप लूसेंट का जो हिस्ट्री का जो जो उसमें दिया हुआ है वो भी सबसे अच्छे तरीके से दिया है, लोग उसका भी फॉलो करते हैं, तो लूसेंट और जो घटना चक्र का समान है देन पूर्वालोकन है, आप उसको हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं, इसमें घटना चक्र और लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। ये जो 35 से 40 क्वेश्चन है इसमें लगभग आपका 32 से 33 तो हो ही जाएगा, आपका चांस है कि 35 से 40 पूछा जा रहा है तो आपको बीच में 30 या 32 नंबर आपका कंफर्म रहेगा। और जो बचा जो इकोनॉमिक्स पॉलिटी और ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी में आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी पे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसके लिए सबसे बेस्ट जो सब लोग आज तक फॉलो ही कर रहे होंगे, ये लूसेंट का जो समान ज्ञान है ये बेस्ट है, इस लूसेंट का जो समान ज्ञान है ये ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट है, आप इसको फॉलो कीजिए। और ज्योग्राफी में आप कम पढ़ना चाहते हैं तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी में, तो इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ के गया था, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, और इस यदि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ पढ़ना भी है तो जो 7 कॉन्टिनेंट के बारे में दिया गया है वो आप पढ़ लीजिए, आपको 3 से 4 पेज में होगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अब हम लोग साइंस पे देखते हैं, क्योंकि आजकल साइंस का जो है जो क्वेश्चन जो इस बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें 30 क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इससे पहले 20 क्वेश्चन ही पूछा जाता था, अब इसका रेंज 30 क्वेश्चन हो गया, तो आप इसके लिए लूसेंट का फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट इसमें बेस्ट है कि जो इसमें दिया हुआ है लगभग 40 से 50 पेज में सबसे अच्छे तरीके से दिया गया है, आप अच्छे, लेकिन उसके अलावा भी आप स्पीडी है जो ये देख रहे हैं, स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी जो ये वाले होते हैं कि टेस्ट पेपर, कि ये देख लीजिए कि टेस्ट पेपर है, इससे पीछे स्टैटिक दिया हुआ है और इसका टेस्ट दिया, उससे आपको क्या है स्टैटिक पढ़ेंगे आप टेस्ट देंगे, अब मुश्किल से 30 से 35 होगा, 30 से 35 ये आपके लिए पूरा रट लेना है, जिससे कि आपको साइंस में
30 क्वेश्चन में कम से कम 25-26 तो, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन आते हैं कि दाब का क्या है, प्रेशर का क्या है, इसमें जो SI मात्रा के क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, जिसे केमिस्ट्री में पूछ दिया था केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो लेवोजियर है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन इसमें आसानी तरीके से दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बिहार स्पेशल के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत ही पतला है, देख सकते हैं ये बहुत ही पतला है, ये है जो घटना चक्र का बिहार का तथ्य सारी 60 से 65 पेज का है, इसमें बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिक्स का जो जो इसमें है, सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, आप शुरू से देख लीजिए, इसमें सारा बिहार एक दृष्टि में सारा का सारा मैप के अनुसार दिया हुआ है, आप इसको 3 से 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, और 2 से 3 बार इसको जरूर पढ़िए कि आपकी इसमें गलती ना हो, क्योंकि हमेशा बिहार स्पेशल से इस बार तो 25 से 27 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन तो हमेशा देते हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं तो सिर्फ एक ही फॉलो करता हूँ, जो रामबाण है स्पीडी, मैं सिर्फ स्पीडी को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं, इसके अलावा कुछ लोग एडुटेरिया फॉलो करते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन मैं स्पीडी को जितना हो सके रट लेता हूँ, जिससे कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन मेरा इससे हो जाए, जिससे कुछ जो लास्ट में जो पूछे जाते हैं, जो रहते हैं कि कौन क्या बना कब बना, UN से रिलेटेड, जो IMF से रिलेटेड, सारा का सारा इसमें शुरुआत से अंत तक दिया हुआ है। तो अब करंट भी आपका हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट सारा हो गया। अब बचा सबसे मेन, जो इसको मैंने घेरा लगा रखा है, ये है BPSC का PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। BPSC का प्रीवियस ईयर का तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इससे 30 से 35 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप इसमें 38वीं से इस बार जो 67वीं का हुआ कैंसिल, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, 1992 से लेके क्या है कब तक, जो 2022 का 8 मई तक का पेपर हुआ, आप इसको रट लीजिए, मतलब आपको रट लेना है, तो कम से कम जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 25 से 30 हो जाए करे, जिससे कि आपका कम से कम आपको टारगेट रखना है 115 से 120 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, जिससे आपका प्री हो सके, क्योंकि प्री प्री आपकी यदि नहीं निकलती तो मेंस के लिए आपको ज्यादातर फायदा नहीं हो पाएगा, सिर्फ तैयारी करते रहिएगा। अभी क्या है कि आप आंसर राइटिंग करते रहिए, साथ में PT के लिए भी दम लगाते रहिए, तो आपको कम से कम 115 से 20 क्वेश्चन तो आपको करना ही है। तो ये आपका लगभग 1 मंथ का जो स्ट्रेटजी है, ओके, क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये मैं तो यही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप ये फॉलो करके अपना लगभग 100 से 120 के बीच में आप अपना रेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो जो 66वीं तो उसकी कट ऑफ भी ज़्यादा 108 गई थी जनरल की, तो आप कम से कम 115 तक का रेंज रखिए, जिससे कि आपका क्लियर हो सके। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा, BPSC का एग्जाम डेट कब है, कब आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्या है, कौन से न्यूज़ पेपर हिंदुस्तान में, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में दे रहा है, आपको इसमें पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। तो थैंक यू।